अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत आप ये से होंगे। तो लास्ट व्लॉग आप लोगों ने मेरे बच्चों के ड्रेस का देखा, ईद की शॉपिंग का, जिसमें टोटली ईद की शॉपिंग जो है मैंने आपको दिखाई कि बच्चों की किस तरह के ईद के ड्रेस के डिज़ाइंस बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो सबकी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है जस्ट मेरे अलावा, अब आज बारी है मेरी शॉपिंग की। तो अभी मैं और मेरी जो है कज़न सिस्टर, हम दोनों जाने लगे हैं इसी शॉपिंग के लिए, क्योंकि पैकेजेस मॉल हम गए थे कल, लेकिन मुझे जिस अकॉर्डिंग जिस कलर का मुझे ड्रेस चाहिए उसमें वहाँ अवेलेबल नहीं था, और मेरी कज़न को भी कुछ वहाँ पे पसंद नहीं आया। तो आज हमारा इरादा है इसरे जाने का, क्योंकि मुझे अनस्टिच चाहिए और उसको स्टिच चाहिए। तो लेट्स सी कि अभी हमें वहाँ पे क्या मिलता है। उससे पहले, अभी आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो अभी शॉपिंग के लिए चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा जी, अभी मैं और बुशरा जो है, तकरीबन रात का टाइम हो गया है 10:45 का, और मोहसिन की मुझे रिसेंटली कॉल आई थी कि कहाँ है, आ जाए, इतना टाइम हो गया, अभी घर चलते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे डांट पड़ने वाली है। तो लेट्स, मैं घर पहुँच के भी अंदर जाती हूँ, देखती हूँ इनका कैसी सूरत हाल है। ये किसने बनाया है? उमर ने बनाया, आप ही ने बनाया? अहमद उमर, ये सारी डेकोरेशन आपने की है? तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? नहीं आटा, आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए? तो मैं भाई आटा। ओए बे जुगरे जोवा मेरा बेटा बाले लाया था, ये आपने बुलाए हैं सारे? हाँ नहीं, आप ही ने बुलाए, तो गिफ्ट कहाँ है? मैं दो बार लाया था, बलून लाया था। मम्मा जुगरे जाए, अभी बाहर ली थी। अच्छा, दोनों भी लाई हो गिफ्ट के? नहीं लाई, क्या लाई हो दिखाओ, दो मुझे। आए हाय हाय, चॉकलेट जी, जो गिफ्ट नहीं लाया ना उसको मैंने केक कोई नहीं देना। दो चॉकलेट आ गई। अहमद रजा, तुम्हारा गिफ्ट नहीं लाए? केक को कोई नहीं मिलना, ये देखो मेरा केक भी आ गया। मामा ये हमने, पापा ने हमें ये दो कौन लाया? आप दो ला, आप लाइयो बलून फाड़ने हैं वहाँ से, वो जो नीचे गिरे वो पकड़ लो, ये रहने, चलो अभी केक काटते हैं। आप हेलो, अच्छा जी, आपने देखा मैं एंटर हुई तो आगे उन्होंने बलून्स वगैरह इस तरह डेकोरेट करके रखे थे और सारे बैठे थे, क्योंकि मेरी आज बर्थडे थी। मैंने याद तो था लेकिन मैंने लेकिन मैंने सोचा कि शायद अब नहीं करनी है, या मुझे, मेरे को खास इरादा नहीं था, क्योंकि आगे ईद आ रही है और शॉपिंग में इतनी मसरूफ थी कि मेरे जहन से एकदम से निकल गया। तो इसी वजह से मौसी ने मुझे इतनी सख्त लहजे में कॉल किया कि 11 बज गए, क्योंकि 12 बजे तो टाइम दिन चेंज हो जाएगा, तो मैं अभी तक आई नहीं। तो आपने देखा इस तरह सारी बर्थडे वगैरह उन्हें सेलिब्रेट की, ठीक है, एक सरप्राइज़ लगा ले इस तरह का था, बच्चों ने चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट की, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये रहा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अभी मेरी जो है वो शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी मुझे दोबारा शॉपिंग पर फिर से जाना है, क्योंकि जो कलर मुझे चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन एक दो ड्रेस और मैंने ले लिए हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन जो मुझे ख़ास कलर चाहिए था वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो वो जब तक मुझे मिलने जाता तब तक मेरी जान का सुकून नहीं होगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह जो है वो दोबारा जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो अभी ये इस व्लॉग का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप यू लाइक दिस वीडियो। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।